सो हे गाइस, वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग। सो आज हम लोग जा रहे हैं उरन बीच। सो चलते हैं और देखते हैं। जा रहे तो है बाइक से, बट ट्रैफिक बहुत है और धूप भी बहुत है, तो मतलब बहुत ही ज्यादा धूप है और मैंने हाफ स्लीव्स पहने, इसलिए बहुत धूप लग रही है पूरे हाथ पे। तो गाइस हम लोग अभी ब्रिज पे से नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ब्रिज पे बहुत गर्मी रहती है, इसलिए बहुत ही ट्रैफिक रहती है, इसलिए ब्रिज पे से नहीं जा रहे, नीचे से जा रहे हैं। जो सेकंड ब्रिज आएगा वो लेंगे, ये वाले ब्रिज पे से नहीं जा रहे इसलिए। सो अभी चलते हैं नीचे से और देखते हैं, ऊपर तो मेरे को बहुत ट्रैफिक लग रही है और सब बड़े बड़े व्हीकल्स हैं, इसलिए ऊपर से नहीं जाते, नीचे से जाते हैं। और हम लोग को निकलना था 2:30 को, पर अभी 3:30 होने वाले, क्योंकि जो हमारे कैमरा मैन है बहुत अच्छे हैं, हमेशा टाइम पे आते हैं, इसलिए आज भी टाइम पे आए, 2:30 बोल के 3:30 पे आए। मतलब मैं बिना गोप्रो के ब्लॉगिंग कर रहा हूँ अभी, मतलब मैंने मेरा फ़ोन लगाया है अभी, हेलमेट पे फ़ोन स्टिक किया है मैंने, और मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, और पीछे से मेरा जो फ्रेंड है उसने कैमरा भी मतलब फ़ोन पकड़ा है, मेरा जो आईफोन है ना वो उसने पकड़ा है। हम लोग विदाउट गोप्रो मोटो ब्लॉगिंग कर रहे हैं, और आई थिंक ये रास्ता पक्का उरन के लिए जाता है, ये भी नहीं पता जाता है कि नहीं जाता, ये भी नहीं पता, फिर जो हम लोग जा रहे हैं, कि मैं भी फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ उरन, मेरे को भी पता नहीं है उरन इतना। गाइस अभी आप लोग देख सकते हो, मतलब कभी भी अगर दोपहर के टाइम पे कहीं भी निकलोगे ना, तो स्लीव्स पहन के निकलो या तो शर्ट पहन के निकलो, पूरी स्किन टैन हो जाती है धूप की वजह से, या तो आप सनस्क्रीन अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं किया ना, सनस्क्रीन अप्लाई किए ना, मैं फुल स्लीव्स के कपड़े पहन के आया हूँ, मैं शर्ट पहना है, मैंने हाफ स्लीव्स की टी शर्ट पहनी है, इसलिए आई थिंक मेरी स्किन टैन होने के चांसेस हैं, और लगता है यहाँ से ट्रैफिक मिलेगी। मेरी गाड़ी भी आवाज़ कर रही है, पता नहीं क्यों, धीमी है ना थोड़ी, इसलिए आवाज़ कर रही है। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, देखा क्या रहा पे। तो गाइस अभी आप लोग देख सकते हो, मतलब ये एरिया पूरा पूरे तरीके से डेवलप भी नहीं हुआ है, पूरे तरीके से बिल्कुल डेवलप भी नहीं हुआ है, और इतनी धूल मिट्टी है ना, मतलब अगर आप बाइक से आ रहे हो ना तो आपकी हालत पूरी खराब है, मतलब एकदम स्किन एकदम टैनिंग हो जाएगी, एकदम गंदी गंदी पूरा मिट्टी मिट्टी है, और यहाँ पे सब बड़ी बड़ी जो लॉरी रहती है वही चल रही है, मतलब बहुत धूल है इधर, और अभी तक पूरा कुछ डेवलप भी नहीं हुआ है, आप लोग देख सकते हो इधर कितना धूल है। तो अभी चलते हैं बीच, देखते हैं बीच पे क्या है कैसा है, हम लोग तो बोलते हैं बहुत अच्छा है, मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, चलते हैं और देखते हैं कैसा है बीच, वही मिलते हैं बीच पे। सो गाइस अभी हम लोग उरन बीच पहुँच गए, कुछ हम लोग को 1 घंटा लगा है नवी मुंबई से, और मतलब जगह एकदम पावर है, मतलब हक है जगह को यार, मतलब मज़ा आ गई। और जैसे हम लोग मतलब एंट्री कर रहे थे ना अंदर, एकदम मतलब ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, और मतलब ऑसम फील हो रहा था, पर यहाँ पे अभी कुछ डेवलप नहीं हुआ है ना, तो मतलब रोड भी एकदम ख़राब है, अगर आपकी बाइक अच्छी नहीं रहे ना तो मतलब आने में हालत ख़राब हो जाए। और अभी सनसेट के टाइम पे हम लोग आए, मतलब आई थिंक हाफ एन आवर में सनसेट हो जाएगा, हाफ एन आवर में आई थिंक हो जाएगा सनसेट, मतलब क्या ही। तो अभी पहले चलते हैं बाइक पार्क करते हैं, और आपको गाइस अभी हम लोग उरन बीच पहुंच गए, मतलब ऑसम ही है यार जगह, एकदम किलर है, मेरे को तो बहुत अच्छी लगी ये जगह,
और अभी तो सनसेट हो रहा है, सनसेट होगा मतलब अभी कुछ आई थिंक हाफ एन आवर में सनसेट होगा। सो अभी सनसेट भी इंजॉय करेंगे और आई थिंक यहाँ पे ड्रोन उड़ाना भी अलाउड नहीं है। और ये पूरा हेलीपैड है यहाँ पे, आई थिंक आते होंगे हेलीकॉप्टर से, अभी तो यहाँ पे हेलीपैड बनाया है। सो अभी चलते हैं और देखते हैं क्या है आगे। उस तरफ भी पूरा मतलब बड़ा बीच है, बहुत बड़ा बीच है, वहाँ से पूरा वहाँ तक है और यहाँ पे भी है, इस तरफ भी है बीच। सो चलते हैं और देखते हैं, अभी खाया नहीं तो जाके खाते और फिर मिलते हैं। सो गाइस अभी हम लोग ने चाय ले लिया है, सो चाय पीते पीते सनसेट का मज़ा लेते। सनसेट हो ही गया है, अभी हम लोग यहाँ पे उरन में आ गए। ये पूरा यहाँ पे बीच है, मतलब पूरा यहाँ से एंड तक पूरा बीच है। सो ये तो पूरा बीच है और यहाँ पे पीछे दरगाह है, हज़रत मुकीम शाह बाबा नाम के बाबा है यहाँ पे, जिनके यहाँ पे दरगाह है। सो चलते और दरगाह भी देखते हैं क्या है क्या नहीं है। सो चलते और देखते हैं। ये पूरी दरगाह है जो कि छोटी दरगाह है। ये पूरा यहाँ का व्यू है, मतलब ठीक है, अच्छा खासा ग्रीनरी है यहाँ पे। आप लोग यहाँ पे आते हो वो ठीक है, सब मतलब ठीक है, सब कुछ ठीक है, पर ऐसे गार्बेज थ्रो मत करो यार, जगह को गंदा मत करो। और जो कि यहाँ पे क्राउड भी कम है फिर भी इतनी गंदगी की है, ऐसा मत करो, गंदगी बिल्कुल मत करो। और बाय द वे ये डॉगी यहाँ पे घूम रहा है, मेरे को लगता है ये सॉल्टी पानी। अरे कहना क्या चाहते हो? नहीं गया था, पता नहीं डॉग पीते कि नहीं सॉल्ट वाटर। और बाय द वे अभी सनसेट हो गया है, मतलब होने वाला है, क्लाउड के पीछे छुप गया इसलिए कुछ दिख रहा नहीं है। सो वही सनसेट भी हो गया, सो अभी यहाँ से चलते हैं और देखते हैं। और गाइज अभी मैं मेरे बिल्डिंग के नीचे आ गया हूँ। सो अभी मैं आप लोग देख सकते हो अभी मैं पूरा भीग गया हूँ, मतलब क्योंकि बारिश हो रही थी और मैं रेनकोट भी नहीं लेके गया था। सो अभी व्लॉग एंड करते हैं। सपोज यू लाइक दिस वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। मिलते हैं अगले वीडियो में।